एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मंगलवार को जेएनयू में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पहुंची और इसके बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स ने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया, लेकिन पायल रोहतगी को दीपिका का जेएनयू जाना अच्छा नहीं लगा। अपने विवादित ट्वीट्स की वजह से चर्चा में रहने वाली पायल रोहतगी ने दीपिका को लेकर कई ट्वीट्स किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, जहां दीपिका के पिता ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, दूसरी तरफ दीपिका भारत को तोड़ने वाली फोर्स के साथ खड़ी हैं। आखिरकार दीपिका ने ये साबित कर दिया कि वो आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा पायल रोहतगी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, मेघना गुलजार ने दीपिका का ब्रेन वॉश किया। वो कुछ जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट से मिले जिन्होंने कैंपस में गुंडों को अंदर जाने दिया ताकि एबीवीपी छात्रों की आवाज को दबाई जा सके, जो चार नई सेमिनार के लिए रजिस्टर कर रहे थे। लेफ्टिस्ट गुस्से में थे क्योंकि उनका मिडनाइट पीने का प्रोग्राम रुक गया था। दीपिका मुझे इडियट लग रही है। आपको बता दें कि दीपिका के जेएनयू पहुंचने पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोगों का कहना है कि दीपिका पादुकोण का जेएनयू के प्रोटेस्ट में पहुंचना एक प्रमोशनल स्टंट है। वेल, अब देखना तो ये होगा कि दीपिका के इस कदम से फिल्म छपाक पर कितना असर पड़ता है। दीपिका पादुकोण के जेएनयू छात्रों को सपोर्ट करने के बाद से उनकी फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की मांग तेज हो गई है। वहीं कई यूजर्स ने दीपिका के जेएनयू जाने को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। इन सब के बीच दीपिका के सपोर्ट में अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, विशाल डेडलानी, ऋचा चड्ढा, अनुभव सिन्हा और सिमी ग्रेवाल जैसे सितारे आए हैं। दीपिका पादुकोण की छपाक 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की असल जिंदगी पर बनाया गया है। वेल, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, माय बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।